गाइस आज मैं तुम्हें इंजन में ड्राइविंग 3D गेम के ऑल सीक्रेट चीट कोड्स बताने वाला हूँ। इसके अलावा RGS Tool के भी चीट कोड्स बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी गेम को स्पाइडर मैन, आयरन मैन एंड और भी कई सारे सुपर हीरोज के साथ खेल सकते हो। गाइस इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं तुम्हें न्यू अपडेट का एक ऐसा सीक्रेट चीट कोड बताऊंगा जिसको तुम अपनी फोन में डायल करके RGS Tool के अंदर एक अपना फोटो अपलोड करोगी तो तुम्हारा खुद का अपना कैरेक्टर गेम में आ जाएगा। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो, ये मैं हूँ और ये मेरा कैरेक्टर जिसके साथ में आसानी से गेम भी खेल रहा हूँ। अगर गाइस तुम भी अपनी गेम में तुम्हारा खुद का कैरेक्टर डालना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखना, वरना तुम्हारा कैरेक्टर गेम में सही से नहीं आएगा। तो गाइस सबसे पहले ना मैं तुम्हें कार्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुम फोन में 9090 डायल करोगी तो तुम्हारे सामने में ये मॉडिफाइड थार आ जाएगी। अगर 700 डायल करते हो तो ये लेम्बोर्गिनी P2 आ जाएगी। 3333 चार टाइम्स लेकर डायल करोगे तो लेम्बोर्गिनी फिर से एक और आ जाएगी। अगर तुम 500 डायल करते हो तो ये तुम्हारे सामने ऑडी स्पॉन हो जाएगी। ऐसे ही गाइस अगर तुम 900 डायल करके कॉल करते हो तो तुम्हारे सामने ये कोइनिक सेग स्पॉन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम 800 डायल करते हो तो ये बुगाटी स्पॉन हो जाएगी। एंड इसके बाद 2000 डायल करोगी तो तुम्हारे सामने भाई ये रोल्स रॉयस स्पॉन हो जाएगी। ऐसे अगर हम 1000 डायल करते हैं तो ये फॉर्चूनर, एंड 444 थ्री टाइम्स लेकर डायल करेंगे तो ये स्कॉर्पियोस 11 आ जाएगी। एंड 3333 डायल करने से स्कॉर्पियो क्लासिक आ जाएगी। अगर हम 4000 डायल करते हैं तो हमारे सामने ये पोर्शे स्पॉन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम 300 डायल करेंगे तो ये टार्जन कार स्पॉन हो जाएगी। वेल दोस्तों इसके बाद 1001 डायल करोगे तो फॉर्चूनर लेजेंड स्पॉन हो जाएगी। एंड गाइस ऐसे ही 2020 डायल करोगे तो ये तुम्हारे सामने भाई एंड वेयर स्पॉन हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 8811 डायल करते हैं तो ये फरारी हमारे सामने स्पॉन हो जाती है। 8123 से मस्टैंग GT स्पॉन हो जाती है, यार मेरी फेवरेट कार है, हमारी कौन सी कमेंट में बताना। बाकी 2244 डायल करोगे तो ये सुप्रा स्पॉन हो जाएगी, ये भी नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। अगर हम 3100 डायल करेंगे तो ये बोलेरो स्पॉन हो जाएगी। अगर हम 8880 डायल करके कॉल करते हैं तो हमारे सामने ये बहुत ही पावरफुल हमर स्पॉन हो जाती है। अगर हम 9191 डायल करेंगे तो ये थार स्पॉन हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 3005 डायल करेंगे तो निसान GTR, एंड इसके बाद 8370 डायल करेंगे तो ये रिक्शा स्पॉन हो जाएगा। गाइस अगर तुम्हें मर्सिडीज की जी वैगन चाहिए तो 4666 डायल करना होगा। अगर तुम 0002 डायल करते हो तो भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल की डिफेंडर स्पॉन हो जाएगी। गाइज यही है कार्स के चीट कोड्स। आगे मैं तुम्हें ना प्लग इन ऐप वाली जो कार्स हैं उनके भी चीट कोड्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तुम्हें बाइक्स के चीट कोड्स बताता हूँ। गाइज अपनी फर्स्ट बाइक है वो है कि अगर तुम फोन में 400 डायल करते हो तो ये ZS10R स्पॉन हो जाएगी। अगर 1210 डायल करोगे तो KTM स्पॉन हो जाएगी। 1211 डायल करोगे तो ये पल्सर स्पॉन हो जाएगी। अगर 4215 डायल करोगे तो ये ड्यूक गाड़ी स्पॉन हो जाएगी, ये यार पता नहीं कौन सी बाइक है। अगर 1190 डायल करते हो तो फिर से एक KTM 1119 स्पॉन हो जाती है। अगर 2222 डायल करते हो तो हमारे सामने ATV फोर व्हीलर बाइक स्पॉन हो जाती है। अगर हम 4x99 डायल करते हैं तो ये बुलेट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम फोन में 9000 डायल करते हैं तो हमारे सामने ये स्प्लेंडर स्पॉन हो जाती है। वेल दोस्तों अगर तुम 7000 डायल करते हो तो ये हयाबूसा स्पॉन हो जाती है। अगर 5000 डायल करोगे तो हमारे सामने पल्सर RS200 स्पॉन हो जाती है। अगर हम 3000 डायल करेंगे तो कावासाकी निंजा S2R, एंड 0015 डायल करेंगे तो यामा R15। अगर हम 5555 डायल करेंगे तो हमारे सामने गोस्ट राइडर बाइक आ जाएगी। वेट भाई यार, इसने तो हमें ही गिरा दिया। गाइस इतना ही नहीं, इसकी साइड में जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको भी यार इसने ब्लास्ट कर दिया। इसकी आग इतनी पावरफुल है भाई साहब। मैं तुम्हें दूसरे चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुम 7777 डायल करके स्पॉन करते हो तो ये ड्यूक 200 आ जाएगी। भाई ये भी जल कर राख हो चुकी है। अगर हम 4x8 स्पॉन करते हैं तो ये फिर से ड्यूक 1290 स्पॉन हो जाती है। अगर हम 4x11 डायल करेंगे तो ये साइकिल आ जाएगी। 400 से हमारे पास ये ZS10R स्पॉन हो जाती है। 6000 से यहाँ पर तुम देख सकते हो ट्रोन बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड 777 डायल करते हो तो ये डुगाटी डारेल पता नहीं यार कौन सा नाम है, ये स्पॉन हो जाती है। 88 को इन टाइम्स लिखोगे तो ये यामा स्पॉन हो जाएगी। 4050 से ये अपाची गाड़ी स्पॉन हो जाएगी। 6021 से
तुम्हारे सामने सुपर स्प्लेंडर स्पॉन हो जाएगी। यही थी बाइक्स के चीट कोड शेयर, देखो कितनी सारी अपनी गेम में बाइक्स हैं। गाइस अभी मैं तुम्हें ना मॉन्स्टर कार्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुम 0100 डायल करके कॉल करते तो भाई साहब तुम्हारे सामने ये मॉन्स्टर पुलिस वाली गाड़ी आ जाएगी। अगर तुम ऐसे ही 0101 डायल करके कॉल करते हो तो ये फिर से पुलिस वाली मॉन्स्टर एसयूवी स्पॉन हो जाती है। अगर तुम्हें मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी चाहिए तो सिंपली 0700 डायल करोगे तो ये मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी स्पॉन हो जाएगी। भाई साहब ये देखो कितनी डेंजरस लग रही है। ऐसे ही अगर हम फ़ोन में 0300 डायल करते हैं तो हमारे सामने ये मॉन्स्टर टार्जन स्पॉन हो जाती है। इसने तो भैया एनपीसी को ही उड़ा दिया। चलो खैर दूसरी कार से स्पॉन करते हैं। अगर हम 0900 डायल करके कॉल मिलाएंगे तो भाई सब यहाँ पर मॉन्स्टर थार स्पॉन हो जाती है। अगर हम 03333 डायल करते हैं तो फिर से एक ये मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी स्पॉन हो जाती है। एंड अगर हम 01000 डायल करेंगे तो ये मॉन्स्टर फॉर्चूनर स्पॉन हो जाएगी। भाई साहब अगर हम 09090 डायल करते हैं तो ये मॉन्स्टर मॉडिफाइड थार स्पॉन हो जाती है। भाई साहब यही थी 7 मॉन्स्टर व्हीकल्स। गाइस में तुम्हें जायंट व्हीकल्स यानी गेम की जो बिग व्हीकल्स है ना उनको स्पॉन करना सिखाता हूँ। अगर तुम 5643 डायल करोगे तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली स्पॉन हो जाएगी तुम्हारे सामने। ऐसे ही अगर तुम 6677 डायल करोगे तो ये जेसीबी स्पॉन हो जाएगी। ये सिर्फ स्पॉन ही नहीं होगी, इसके अंदर तुम बैठकर फुली इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई साहब, देखो कितने ज़्यादा कंट्रोल्स हैं इसकी। यहाँ पर तुम आगे वाला ये जो पता नहीं यार क्या कहते हैं इसको भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। पीछे वाला ये जो है जिससे मिट्टी निकालते हैं इसको भी तुम आगे पीछे कर सकते हो। यार ऐसी डिटेल्स ना गेम को बहुत ही रियलिस्टिक बना देती हैं। चलो खैर अभी मैं तुम्हें ना दूसरी मॉन्स्टर व्हीकल्स सॉरी जायंट व्हीकल्स के चीट कोड्स बताता हूँ। तो अगर तुम 4040 डायल करके कॉल मिलाते हो तो भाई साहब तुम्हारे सामने खतरनाक वाली आर्मी टैंक स्पॉन हो जाती है। अगर तुम 1212 डायल करोगे तो ये ट्रक स्पॉन हो जाएगी। अगर तुम्हें इसका ट्रेलर चाहिए तो 01212 डायल करोगे तो ये ट्रक के साथ एक ट्रेलर भी तुम देख ही सकते हो स्पॉन हो चुका है। गाइस जैन लास्ट जैन वीक के लिए वो ये है कि अगर तुम 606 डायल करोगे तो ये फायर ट्रक स्पॉन हो जाएगी। लेकिन यार इस गाड़ी से ना तुम कहीं से भी आग को बुझा नहीं सकते क्योंकि इसमें पानी ही नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ तुम देख रहे हो उन सभी को तुम ड्राइव कर सकते हो। अभी ना मैं तुम्हें एनिमल्स के चीट कोड्स बताता हूँ। गाइस में फर्स्ट एनिमल है उसको तुम अगर 50 डायल करोगे तो ये वेलोसिरेप्टर स्पॉन हो जाएगा। अगर 51 डायल करके कॉल करते हो तो ये टीरेक्स स्पॉन हो जाएगा। अगर ऐसे ही 52 डायल करते हो तो ये स्पाइनोसोरस स्पॉन हो जाएगा। 53 डायल करती हो तो भाई साहब यहाँ पर ये ब्रेकियोसोरस डायनासोर स्पॉन हो जाएगा। लेकिन यार तुम ना इनके ऊपर चढ़ नहीं सकती। अगर तुम्हें इनके ऊपर चढ़ना है तो 5050 डायल करोगे तो ये वेलोसिरेप्टर स्पॉन हो जाएगा। इसके ऊपर ना तुम चढ़कर फुल अपना जो सिटी है उसका भी शेयर कर सकते हो, किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हो। भाई इसमें सामने वाले के ऊपर अटैक करके देखता हूँ यहाँ पर यार वेट अटैक नहीं हो रहा। चलो खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें ना दूसरे एनिमल्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुमने फ़ोन में 200 डायल करना है तो यहाँ पर तुम्हारे सामने हॉर्स स्पॉन हो जाएगा। ऐसे अगर 600 डायल करोगे तो एक डॉग स्पॉन हो जाएगा। इनके भी ऊपर तुम चढ़कर अपनी पूरी सिटी का शेयर भी कर सकती हो। इन हॉर्स को छोड़ो कुत्ते के ऊपर चढ़कर भाई बंदों को भी काट सकती हो। ये यार बहुत ही डेंजरस नेक्स्ट लेवल की चीजें गेम वालों ने बनाई है। नाउ गाइस इट्स टाइम टू रिवील फ्लाइंग व्हीकल चीट कोड्स। तो अगर फ्लाइंग व्हीकल समझ जाएंगे तो फोन में जाकर तुम 320 डायल करोगे तो ये जेट पैक स्पॉन हो जाएगा। GTA 5 में भी यही जेट पैक है। अगर 330 डायल करोगे तो ये मिनी जेट पैक GTA सैन एंड्रियास वाला स्पॉन हो जाता है। अगर तुम 5553 बार लिखकर कॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने येलो कलर वाला एयरपोर्ट वाला प्लेन स्पॉन हो जाता है। अगर तुम 8000 डायल करके कॉल मिलाते हो तो एक हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाता है। गाइस फिलहाल के लिए अपनी गेम में यही 4 फ्लाइंग व्हीकल्स हैं। अमीना मैंने तुम्हें मॉन्स्टर व्हीकल्स के भी चीट कोड्स बता दिए, जायंट व्हीकल्स के भी बता दिए, फ्लाइंग व्हीकल्स के भी चीट कोड्स बता दिए एंड फाइनली एनिमल्स के भी बता दिए। तो अभी मैं तुम्हें गेम के ऑब्जेक्ट्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर गाइस तुम ना अपने फोन में 0 डायल करके कॉल करते हो तो ये तुम्हारे सामने बहुत सारे सिलेंडर्स स्पॉन हो जाएंगे।
अगर तुम 00 डायल करके कॉल मिलाते हो तो ये छोटे वाला बड़ा वाला ड्रम वाला सिलेंडर रेस्पॉन हो जाता है। इनको ना तुम ब्लास्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम देखना, मैं इन्हें इसको ब्लास्ट कर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं था भाई साहब, इसको देखना यार, ये बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर गाइस देखो, ये कैसे घूम रहा है। वेट भाई, इसने तो अपनी फ्रैंकलिन को भी गिरा दिया। इसका ब्लास्ट भी यार बहुत ही खतरनाक वाला है, लेकिन यार हम नहीं देख सके क्योंकि अपना फ्रैंकलिन गिर चुका है। कोई बात नहीं, दूसरे ये जो सिलेंडर है इनको मैं आराम आराम से स्पॉन करके दूर जाकर इनका ब्लास्ट देखता हूँ। यहाँ पर भाई साहब तुम देख ही सकते हो, इनमें यार पता नहीं कौन सा भूत सवार हो चुका है। देखो इससे ही हरकत कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक दो नहीं चारों सिलेंडर्स ब्लास्ट भी हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम फोन में 2030 डायल करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे सामने खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज स्पॉन हो जाते हैं भाई साहब। इनको ना तुम मार भी सकते हो और ये तुम्हें भी मार सकते हैं, इनसे बच कर रहना। अगर तुम्हें इनका चीट को डीएक्टिवेट करना है, ज़ॉम्बीज तुम नहीं चाहते गेम में, तो तुमने फिर से 2030 डायल कर लेना है, ये ज़ॉम्बीज वाला चीट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं फिर से यार यहाँ पर डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यार ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही, मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पर देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, इनसे यार मैं अकेले नहीं लड़ पाऊँगा, तो मैं अपनी गेम को ही रिस्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने अपनी गेम को रिस्टार्ट कर दी है। अभी मैं तुम्हें गेम के जो और चीट कोड्स हैं ना वो बताता हूँ भाई साहब। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल के चीट कोड्स हैं। अगर तुम फोन में 9129 डायल करते हो तो ये तुम्हारी हेल्थ इन्फिनिटी हो जाएगी। मीन्स के तुम्हें कोई भी अगर मारेगा तो तुम्हारी हेल्थ नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर तुम फोन में 12345 डायल करते हो तो भाई साहब अपने सिटी में बहुत ज़्यादा NPCs स्पॉन हो जाएंगी। अगर इनको उल्टा करके डायल करोगे मीन्स के 4 5 4 3 2 1 तो यहाँ पर अपनी गेम में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ स्पॉन हो जाएंगी। अगर गाइस तुम फोन में 1112 डायल करते हो तो ये स्लो मोशन अपनी गेम में हो जाएगा। अगर फिर से तुम 1112 डायल करोगी तो स्लो मोशन की लेवल 2 हो जाएगी, मीन्स के और भी अपनी गेम स्लो हो जाएगी। अगर ऐसे ही तीसरी बार अगर तुमने ये चीट को डायल किया तो इसकी तीसरी लेवल लग जाएगी भाई साहब। देखो कितना स्लो मोशन लग चुका है। गाइस अगर चौथी बार इस चीट कोड को लगाओगे तो ये स्लो मोशन वाला चीट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड अपनी गेम नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो गाइस, अभी जो मैं तुम्हें चीट कोड बताने वाला हूँ ये तुम अपनी गेम में ज़रूर ट्राई करना। एंड आगे मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसका भी लाजमी ट्राई करना। फ़ोन में तुम डायल करना 7112। यहाँ पर तुम जैसे कॉल लगाओगे तो ये मून ग्रेविटी का चीट कोड स्पॉन हो जाएगा। इसको गाइस तुम ऐसे टेस्ट करना कि मेरी तरह एक NPC को किल करके देखना। जैसे ये NPC मर जाएगा एंड तुम्हारे पीछे पुलिस के स्टार्स लग जाएंगे तो भाई तुम अभी देखना मैजिक, ये पुलिस वाला देखना पता नहीं कहाँ पर चला जाएगा भाई, उड़ जाएगा, इसकी गाड़ी उड़ जाएगी। वहाँ पर सामने तुम देख ही सकते हो जिसके भी साथ इसकी गाड़ी टकराई तो वो भाई गाड़ी उड़ गई। यहाँ पर ना मैं तुम्हें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तुमने सिंपली ऐसा करना है कि फ़ोन में घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन कर लेना है। जैसे ही तुम 5555 डायल करके घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करोगे तो इसमें तुम बैठ जाना एंड मेरी तरह फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाना। यहाँ पर ना तुम जैसे ही अपनी ये जो घोस्ट राइडर बाइक है इसको फुल स्पीड में भाई सब भगाओगे तो तुम देखना कि अपनी गाड़ी उड़ना शुरू हो जाएगी भाई। यार यहाँ पर तुम देख ही सकते हो अपनी गाड़ी हवा में उड़ रही है। यार ये चीट कोड तुमको किसी ने भी बताया नहीं होगा, बाकी हो सकता है तुमने किसी मिथ में देखा हो, क्योंकि ये मिथ शायद मैंने भी ट्राई करी थी यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो गाइस बहुत हो गया मशकरी मजाक, अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट चीट कोड बताता हूँ। अगर तुम फोन में 7112 डायल करके कॉल मिलाते हो तो ये जो मून ग्रेविटी का चीट कोड है डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुमने ना सुपर जंप यानी बड़ा जंप मारना है तो 1215 डायल करना। अभी तुम जैसे ही जंप करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारा फ्रैंकलिन कितना बड़ा जंप करता है। यहाँ पर मैं तुम्हें जंप करके दिखाता हूँ भाई साहब, तुम देख ही सकते हो। लेकिन यार यहाँ पर ये गलत चीज़ ये है कि जैसे जंप करता है ना इसके बाद वहाँ ऊपर से गिर के नीचे गिरता है, यार ये बहुत ही गलत है। अगर गैस में इस चीट कोड को डीएक्टिवेट करना है तो 1216 डायल करना, ये चीट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी मैं नॉर्मल जंप कर रहा हूँ। गैस अगर तुम्हें आसमान की सैर करनी है तो सिंपली फोन में 1120 डायल करके कॉल करना एंड तुम आसमान में उड़ते हुए आ जाओगे भाई। यार यहाँ तुम देख सकते हो ये स्काई फॉल का चीट कोड है।
गाइज इस चीट कोड को डायल करने के बाद तुम्हें ऐसा फील होगा कि जिससे तुमको किसी ने प्लेन से गिरा दिया हो। गाइज यहाँ पर पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि आखिर प्रैंक लेन गया कहाँ। चलो फिर अभी ये जो लास्ट वाला प्रैंक चीट कोड है ना, ये तुम्हें बताता हूँ। तुमने सिंपली फोन में 4x000 डायल करके कॉल करना है एंड तुम्हारे सामने एक ऐसा खतरनाक वाला प्रैंक हो जाएगा कि भाई यार तुम देखकर खुश हो जाओगे। इसे अपनी टेस्ट में गेम में लाजमी टेस्ट करना। तो गाइज अभी ना मैं तुम्हें RGS टूल के जितने भी चीट कोड्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर तुम देख ही रहे हो, ये जो मेरा फ़ैन है ये चल रहा है, तो तुम ना फ़ैन ऑफ लिखोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसलिए अगर तुम फ़ैन ऑन लिखोगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुमने अगर अपनी फ़ोन का कलर चेंज करना चाहते हो तो तुमने ऐसा करना, फ़ोन में RGS टूल में जाकर फ़ोन कलर और जो भी कलर तुम्हें चाहिए वो लिख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं येलो लिख लेता हूँ एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया था मेरी के फ़ोन का कलर तुम देख ही सकते हो येलो हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोन का कलर ग्रीन होना चाहिए तो सिंपली मैं फ़ोन कलर ग्रीन लिखकर जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरी फ़ोन का कलर देखना ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर तुम देख ही सकती हो। गाइज ऐसे ही अगर तुम ना अपने घर का कलर चेंज करना चाहते हो तो तुम लिखना हाउस कलर रेड ब्लू येलो, जो भी तुम कलर लिखोगे वो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रेड लिखा है तो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मेरे घर का कलर रेड हो चुका है। अगर तुम RGS टूल के अंदर जाकर हेली सिंपली HELI जैसे लिखकर एंटर करोगे तो आसमान में तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर अभी मुझे नहीं नज़र आ रहे, ये थोड़ी देर में नज़र आ जाएंगे। अगर तुम RGS टूल में जेट लिखकर एंटर करोगे तो यहाँ पर आसमान में तुम्हें वो सामने देख ही रहे हो जेट उड़ता हुआ नज़र आएगा, एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जेट्स आएंगे। गाइस अगर तुम्हें अपना गेम के बटन्स एंड फ़ोन को ट्रांसपेरेंट करना है तो तुम सिंपली RGS टूल में जाकर UI ऑफ लिख लेना, तो यहाँ पर तुम्हारी फ़ोन एंड बटन्स ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। अगर तुम इस चीट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो सिंपली UI ऑन लिखना, यहाँ पर तुम्हारी फ़ोन और ये बटन्स फिर से आ जाएंगी। गाइस ये जो चीट कोड है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, तुमने बस ऐसा करना RGS टूल में जाकर अटैक लिखकर एंटर करना, इसके बाद तुम कोई भी एनिमल स्पॉन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर 5-1 से ये T-Rex स्पॉन कर लेता हूँ। अभी तुम देखना कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तुमने ऐसा करना किसी भी NPC को सिर्फ एक गोली मारनी है, सिर्फ एक गोली जैसे ही मारोगे तो ये जो तुम्हारा एनिमल है ये उस NPC को खाना स्टार्ट हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पर तुमने देखा किस इस T-Rex ने इस NPC को खा लिया। अगर तुम इस T-Rex को खुद को ही गोली मारोगे तो ये जो एनिमल है ना जानवर जो तुमने स्पॉन किया है खुद को ही खा लेगा। यहाँ पर तुम देखना मैं इसे गोली मारकर तुम्हें खुद को खाते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने इसके ऊपर एक गोली चला दी एंड तुम देख ही सकते हो ये अपने आप को खा रहा है एंड भाई फाइनली ये ख़त्म मर गया। ये चीट कोड यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। अभी मैं तुम्हें और चीट कोड्स बताता हूँ। तो तुमने सिंपली RGS टूल के अंदर जाकर रोल ऑन लिख कर एंटर कर लेना है। ये चीट कोड तुम्हारा डायल हो चुका है लेकिन इसको देखने के लिए तुमने सिंपली ऐसा करना ड्रोन ऑन लिखकर एंटर करना। फिर यहाँ पर तुम ना बिल्कुल भाई फ्री कैमरा में आ जाओगी, जैसे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं ना 3D वीडियोस वो भी तुम बना सकते हो। एंड तुमने जो रोल ऑन लिखा था ना उसका चीट कोड वो जो चीट कोड था वहाँ सामने जो कंटेनर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना उसका था। रोल ऑफ लिखोगे तो वो कंटेनर घूमना बंद हो जाएगा, बस यही था। अभी मैं तुम्हें RGS टूल की ये जो मैप अगर तुम बिल्ड करना चाहते हो तो उसके चीट कोड्स बताता हूँ। गाइस अगर तुम्हें अपना मैप बिल्ड करने के लिए फर्नीचर चाहिए तो तुम सिंपली ऐसा करना, F1 डायल करोगे तो तुम्हारे सामने ये बेड स्पॉन हो जाएगा, F2 डायल करोगे तो सोफ़ा स्पॉन हो जाएगा, F3 से ये LED TV स्पॉन हो जाती है, और सॉरी F11 से, ऐसे F1 से F11 तक ये फर्नीचर स्पॉन होता है। अगर तुम यहाँ पर मैप में M1 लिखोगे तो ये चेक पॉइंट आ जाएगा, M2 डायल करके एंटर करोगे तो ये तुम्हारे सामने ये फिनिश वाला बोर्ड आ जाएगा एंड फाइनली M3 डायल करके कॉल करो एंटर करोगे तो ये स्टार्ट वाला बोर्ड आ जाएगा। ऐसे ही गाइस अगर तुम्हें अपनी गेम में बिल्डिंग्स ऐड करना है तो B1 से लेकर B10 तक जितना भी बिल्डिंग्स चाहो उतने स्पॉन कर सकते हो। यहाँ पर तुम देखना B10 में जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर एक और बिल्डिंग आ गई। अगर तुम हाउसेस को स्पॉन करना चाहते हो तो तुमने ऐसा करना H1 से लेकर H11 तक जितने भी घर जाओ उनको तुम स्पॉन
इजीली सीख कर रह सकते हो। इसके बाद जो गैस नेक्स्ट चीट कोड्स हैं ना वो कंटेनर्स के हैं, लेकिन वेट यहाँ पर भाई सब मैं तो फंस चुका हूँ। एंड एक सेकेंड, ये लेडी कहाँ से आ गई? ये तो इस बिल्डिंग के अंदर से आई, मैं तो इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। यार ये भी फंस चुकी है, मैं भी फंस चुका हूँ। मैं ऐसा कहता हूँ इसको तो मार लेता हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। बेटा यहाँ पर मर जा, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रही। शायद भाई साहब इसमें भूत है, मुझे तो ऐसा लगता है, तभी तो ये बिल्डिंग के अंदर से आ गई। इसके ऊपर RPG चला कर देखते हैं। नहीं, बहुत बहुत कुछ भी नहीं था, ये मर चुकी है। मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पर ये दीवार टाप कर और दूसरे तरफ पुलिस स्टेशन वाली तरफ चला जाता हूँ, एंड वहाँ पर मैं तुम्हें दूसरे चीट कोड्स बताता हूँ। एक सेकंड गैस, ये हाँ पर यार मुझे कोई मारा है। वेट भाई यार, ये तो पुलिस ऑफिसर से, यार ये तो मैंने गलत ही दीवार टाप ली। मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, वरना ये पुलिस वाले मुझे मार देंगे। शेट 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 यार, इन्होंने मुझे मार दिया। कोई बात नहीं, मैं गेम को रिस्टार्ट करके फिर से मैं तुम्हें दूसरे चीट कोड्स बताता हूँ। ऑल राइट, इस समय भी गेम को रिस्टार्ट कर दिया है। अगर तुम RGS टूल के अंदर C1 से लेकर C7 तक डायल करके एंटर करते हो तो तुम्हारे सामने कंटेनर से स्पॉन हो जाएंगी। अगर तुम P1 से लेकर P18 तक डायल करके एंटर करोगे तो ये तुम्हारे सामने प्रॉप्स स्पॉन हो जाएंगी। अगर तुम S1 से लेकर S9 तक डायल करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे सामने ये जो रोड है ना वो स्पॉन हो जाएंगे। R1 से लेकर R5 तक जैसे ही तुम डायल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने रैंप स्पॉन हो जाएगी। अगर तुम T1 से लेकर T7 तक स्पॉन करोगी तो तुम्हारे सामने ये ट्रीज स्पॉन हो जाएंगी। अगर तुम W1 से लेकर W6 तक डायल करके इंटर करोगे तो ये जो दीवार है ना वॉल, ये स्पॉन हो जाएगी। गैस अगर तुम इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली MD ऑन लेकर एंटर करना, तुम्हारे सामने ये ऊपर में एक मेन्यू आ जाएगा। इसकी मदद से तुम रैम को या जो भी जितने भी प्रॉप्स या कुछ भी तुमने स्पॉन किया है उनको यहाँ पर तुम आसानी से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मैं कैसे इसे टर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर तो भाई साहब ये रोड ही टर्न होता जा रहा है। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैंने यार ये भी तुम्हें दिखा दी। अगर तुम MD ऑफ लिखोगे तो ये मेन्यू तुम्हारा चला जाएगा। अगर गैस तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग या कोई घर वर बनाया है एंड तुम इसको सेव करना चाहते हो तो सिम्पली तुम ऐसा करना, RGS टूल के अंदर जाकर SD लिख कर सिम्पली इंटर करना। जितना भी तुम्हारा बना हुआ मॉडल है वो यहाँ पर लोड और सॉरी सेव हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम गेम को रिस्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पर आ जाओ तो तुमने ऐसा करना, फ़ोन में RGS टूल के अंदर चले जाना, इसके बाद लोड लिख कर इंटर करना। तो तुम यहाँ पर ना जैसे गेम को रिस्टार्ट करोगे तो जहाँ पर तुमने लोड लिखा है वहाँ पर तुम्हारी पोजीशन आ जाएगी। गाइस अगर बात करें सुपर हीरोज़ की तो वो ना अभी तक गेम में आए नहीं हैं। बाकी जो तुम यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखते हो तो वो ना ऐसा करते हैं, क्रोम से 3D मॉडल सुपर हीरोज़ का डाउनलोड करते हैं एंड उसको ब्लेंडर वाला जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें डालकर अपनी गेम का बस नॉर्मल एक इंट्रो वाला वीडियो बना लेते हैं। बाकी रियल में कोई भी इस गेम में इन सुपर हीरोज़ के साथ नहीं खेलता। बाकी अभी बात करते हैं कि मैंने तुम्हें जो इंट्रो में बोला था कि तुम अपने खुद के कैरेक्टर के साथ खेल सकते हो तो वो तुमने ऐसा करना, अपनी इंडियन बाइस ड्राइविंग 3D गेम की थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक नॉर्मल 20-30 सेकेंड्स का वीडियो बना लेना। उसको तुम ऐसा करना, क्रोम में जाकर विगल AI सर्च करना। जैसे यहाँ पर तुम सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर तुम अपनी वीडियो को अपलोड कर देना एंड नीचे तुम्हारी जो भी फ़ोटो है खुद का एक अच्छा सा प्यारा सा फ़ोटो अपलोड करके तुम जैसे जनरेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ना तुम थोड़ी देर के बाद जैसे ही देखोगे तो तुम खुद इस गेम में आ जाओगी। बेसिकली तुम अपने कैरेक्टर के साथ खेल नहीं सकते लेकिन वीडियोस बना सकते हो। गाइस अभी भी अगर तुम्हें गेम में कुछ चीज़ें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स करके बताओ कि यार तुम अपनी गेम में कौन सी चीज़ें चाहती हो। बाकी आज का यही था वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक लाजमी कर देना।